पूर्णिया में बीते दिन हुई महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने जिस तरीके से पिछड़ों को एकजुट करने की बात करते हुए बीजेपी और आरएसएस को आरक्षण विरोधी बताया था, जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से लालू यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि गोयबल्स के चेले लालू प्रसाद यादव झूठ बोलने में वर्ल्ड चैंपियन है, इसलिए वे बिना प्रमाण के कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघ चालक और मनीषी विचारक माधव सदाशिव गोवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में दलितों और उनके काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश के विरुद्ध कोई बात नहीं कही गई है। लालू प्रसाद यादव ने विद्वेष फैलाकर हिंदू समाज को बांटने के लिए झूठी बात कही है। आगे उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव अपना आरोप साबित करते हैं तो मैं राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र सौंप दूंगा। मोदी ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा ने पहली बार देश को अति पिछड़ा समाज का सुयोग्य प्रधानमंत्री दिया है, जबकि बाकी सभी दल उन्हें हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी के पीएम रहते कभी आरक्षण व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती है। लालू प्रसाद यादव इस मुद्दे पर भी 2015 से लगातार झूठ बोल रहे हैं। दरअसल में पूर्णिया में हुई रैली में लालू यादव ने क्या कुछ कहा था, पहले उनकी बातों को सुनिए। आज देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पहुंच ही चुका है और आरएसएस और भाजपा कोई पार्टी नहीं, यह एक मुखौटा है आरएसएस का। और भाजपा आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी संगठन और ऑर्गेनाइजेशन है। जो आरएसएस है वही भाजपा है, इसको मुखौटा के रूप में हम लोग मान देखते हैं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी कगार पर पहुंचा हुआ है। तानाशाही बिल्कुल कम से कम पक्का ही हो चुका है। जो नरेंद्र मोदी आरएसएस जो चाह रहा है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसी का सम्मान नहीं, सभी लोगों का अपमान, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की उपेक्षा। और हम सब एक हो करके इसका मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, हम एक रहेंगे, हम एकजुट रहेंगे तो हमारा भारत रहेगा। भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर हम ढीले पड़ गए, अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो बिल्कुल भारत के ऊपर कई एक तरह के कीटाणु सवार होंगे और आएंगे। इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि आपको याद होगा कि पूर्णिया के रणभूमि मैदान से ये जो शंखनाद होने के लिए आप हम इकट्ठे हुए हैं, बिहार में ही आरएसएस के रथ को हमने रोका था बिहार वासियों के सहारे।